प्यारे की जीवन में राम चरित्र मानस को पढ़ना, जिसने राम के व्यक्ति का चरित्र कैसा हो, जैसा राम का चरित्र हो, कैसा चरित्र हो, राम चरित्र मानस, जैसा राम का चरित्र हो मेरा चरित्र वैसा होना चाहिए। मानस कुमानस को मानस बनाती है प्यारे, ये राम चरित्र मानस ही जो व्यक्ति को मानस है कुसंगी है, जो एक बार मानस को पढ़ ले तो ये मानस कुमानस को मानस बनाती है, मगर हम नहीं पढ़ पाते। आइए हम भी जी टाइम आएगा, कितनों के घर में तो रामायण नहीं है, कितना उठाओ कितने के घर में रामायण है नहीं। हमें बड़ा दुख होता है हर मुसलमान के घर में कुरान पाई जाती है पर हर हिंदू के घर में रामायण नहीं पाई जाती, ये मेरा दुर्भाग्य है दुर्भाग्य। अब भैया कहना नहीं चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ जाओ, हम जाति बात धर्म बात की संप्रदाय बात नहीं करते, हम हिंदू हैं। कोई एक प्रशासन एक आर्मी एक कलर मेडल लगाता है, कहता मैं भारत का जवान हूँ, डॉक्टर कहता है डॉक्टर इंजीनियर, एक सरकार पगड़ी कटारी लेके चलता है, मुस्लिम भाई पगड़ी बांधते हैं बुर्का लगाते हैं, मैं तो चंदन कंठी पहन के चलती हूँ और गर्व से कहती हूँ आई आई हिंदू, मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे हैं, तिलक मेरा धरोहर। आज के डेट में मस्तक में तिलक नहीं होता, यह लगन लेना करवा लेना अलग, आ जाना चले जाना अलग, लेकर मेरी बात लग जाएगी, हम क्षमा चाहते हैं। कथा करवा रहे हो, लाखों लाख खर्च कर रहे हो, इतना समय निकाल रहे हो, जीवन अनमोल है, कुछ सीखो इन 9 दिनों में। 9 दिन तो ज्यादा है प्यारे, भागवत महापुराण को पढ़ के देखो, 7 दिन में परीक्षित जी को तक्षक नाम दर्शन को जब श्राप मिला तो 7 दिन में उनको मोक्ष मिला, क्यों 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 क्योंकि उन्होंने ग्रंथ को पढ़ा। इन 7 दिनों के सप्ताह में व्यक्ति जन्म भी लेता है और मरता भी है, 8वां 8वां दिन नहीं होता सप्ताह है, इसलिए 7 दिन की भागवत महापुराण और ये नौ व्यक्ति में गुण होते हैं, इसलिए रामचरितमानस में 9 गुण। अरे गंगा में तो 1 गुण है, वहाँ 1 रस है, यहाँ 9 रस है, रस 1 वहाँ, वहाँ डूबे जो मर जाता वही, यहाँ डूबे जो मर जाता है, जो रामचरितमानस में डूबता है वो मर जाता है और जो गंगा में डूबता है वो मर जाता है। यदि गंगा में नहाने वाले व्यक्ति कभी पापी ना होते तो जूता नहीं चुराते, अक्सर मंदिर के चौकट में गंगा के तट में चप्पल चुराई जाती है, याद रखना गंगा ये बिहार की धरती जहाँ पर सुल्तानगंज गंगा प्रादुर्भाव त्रिवेणी प्रयागराज से निकलते हुए पटना सुल्तानगंज गंगा सागर को जाती है, ये किशोरी जी की धरती, ये बिहार कोई साधारण नहीं है जो केवल केवल तन पे मल मल होती है, परंतु हमारी रामचरितमानस जो भगवान शंकर के मुखारविंद से प्रादुर्भाव हुई वो स्वामी तुलसीदास जी के कलमों से प्रादुर्भाव होती है और व्यक्ति के मन में मल मल होती है। बोलो रामचरितमानस की, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो प्यारे ये है ग्रंथ, विष्णु का दर्शन तो केवल अर्जुन ने किया है, जहाँ विष्णु यज्ञ हो रहा है यही विष्णु भगवान की बात करते हैं, प्रभु ने तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के केवल मिला किया है, बाकी तो नारायण है अंशा अवतार प्रभु मेरे श्री राम, राम बंदी जगत को जगत का गुरु बैठ करके संसार को लीला बताया कि प्यारे जो मेरा चरित्र है उस चरित्र का निर्माण करो। गीता ने कहा तुम तो कर्म करो और भागवत ने कहा कि प्यारे यदि तूने जी लिया हो और कर्म कर लिया हो तो प्यारे तू मर जा, भागवत मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है, गीता कर्म करना सिखाती है और भागवत महापुराण मरना सिखाती है। बोले भागवत महापुराण तो जीना है कि मरना, अब व्यक्ति को जब जीने नहीं आता है तो मरना कहां से आएगा, न जिएंगे न जीने देंगे, हम तो कहते हैं भैया आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, मगर हम जिएंगे ही नहीं, काहे जिएंगे, महुआ जो है अंगूरी प्यार बहुत पाया जाता, हम चाहते हैं कि जहाँ हम कथा करें वह छूट जाए, नाले किनारे बैठ गए, कुत्ता आया बोला ला मोसेरा भाई है सो जाओ, पीने वाला कुत्ते का मोसेरा भाई है भैया सो जाओ जाओ, और वो भी चाटता है चाटता है ना, हाथ में चूड़ी हो ना हो पत्नी के, खाने को रोटी हो ना हो
पहनने को वस्त्र हो ना हो, बच्चा विद्यालय जाए ना जाए, विद्या विनियम संस्कार विद्या परवरिश बच्चे को बहुत जरूरी है जो माता पिता से मिलता है। परंतु महुआ है अंगूरी। अरे भैया मैंने बताया ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो रात को भी सुबह को उतर जाएगी। मेरे राखों से ऐसी लगन तो लगा, तेरी उम्र नसी से। बाद में बोले डॉक्टर ने रेफर कर दिया, अरे भैया जीवन भर शराब पियोगे तो लीवर कटवी हेल्प होगा। फिर कहते हो गंगा, अब भगवान के ठिकाने, तो जब बाद में कहना है कि अब वही है मेरी जो राम रच राखा को कर कर तो बढ़ा गई साखा, तो पहले बोल तो भैया पहले भगवान की शुरू। मगर नहीं, जब तक ठोकर नहीं लगती भगवान की याद नहीं आती। मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार अच्छी बात है, नहीं चाहिए कर्तव्य चाहिए। मगर प्यारे दोस्त ससुरी मामा जैसे नहीं बनाना जो महाभारत करा दे। आजकल दोस्त जो होते हैं ना वो घर में आग लगाते और लगवाते, ये नहीं जानते कि पड़ोसी के घर में लगाएंगे धुआं हमारे घर घुसे भाई, तो हम सो नहीं पाएंगे रात में। उनको क्या है आजकल तो स्लाइडर चल गया, लगाना स्लाइडर सो जाओ। अब पता चला कि स्लाइडर के अंदर आग लगी तो शीशा फटा तो कहीं का नहीं रहे। तो प्यारे दोस्त बनाना तो अर्जुन की तरह कृष्ण की तरह जिन्होंने महाभारत का युद्ध हासिल करवा दिया। अब आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। तृतीय सत्र की आज की वाणी को यही विराम देंगे। आरती होगी, हमारे बीच में आचार्य जी हैं जिनकी आप कथा को भी श्रवण करेंगे और समय को देखते हुए कल की कथा आपसे निवेदन है 7 बजे आकर।